नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर तेल डलवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी रही। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया जा रहा है, जिसमें गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो वाहन चालक को 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से सभी वाहन चालक हड़ताल पर हैं। पेट्रोल पंप पर चालकों की हड़ताल की वजह से तेल की गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से नागरिकों के द्वारा अपने दो पहिया वाहन का टंकी फुल करवाई जा रही है, क्योंकि तेल ना मिलने की वजह से सभी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। लोगों को तेल ना मिलने का डर सता रहा है और जो पेट्रोल पंप है वो जल्दी जल्दी तेल को बेचकर खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि तेल की गाड़ियां नहीं आएंगी तो नागरिकों को तेल नहीं मिल पाएगा, आज शाम तक तेल खत्म हो जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर ज्ञान सिंह ने कहा, जब टैंक लारी आई नहीं रही है, माल आई नहीं रहा तो भीड़ हो गई, शहर के कई पंप ड्राई हो गए, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है तो भीड़ हो गई। सोमवार शनिवार से अभी आपके पास कितना स्टॉक हो गया? स्टॉक 1-1.5 घंटे का होगा। क्या लग रहा है अभी कब तक आने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ड्राइवर जब बताए जब वहाँ टैंकलारी भरी जाएगी तभी आएगा, डिपो से कोई सूचना है नहीं। अच्छा, सरकार के द्वारा कोई आदेश नहीं? सरकार तरफ से कोई आदेश नहीं, वो डिपो ही बताएगा कि कब से उनकी डिलीवरी चालू होगी।